अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। दोपहर का टाइम है और जो है ना, हम बना रहे हैं जी छत पे रेसिपी। रेसिपी में बना रहे हैं जी चिकन और लौकी और आलू का सालन, वही ग्रेवी वाला, शोरबे वाला सालन थोड़ा बना रही हूँ। तो इसलिए तो गाँव से आई थी, मैंने बोला जरा जाके इंजॉय करेंगे आज का मौसम। आग लकड़ियाँ जलाई हैं छत पे, तो जल्दी जल्दी अभी बनाऊंगी। रोटी बाहर से मंगा लेंगे और मज़ेदार सी सालन जो है ना घर पे तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेअंता रहमत करम और फजल के साथ एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सही बोल रही है सोनिया जी। वैसा प्रॉपर हालांकि ऐसा किचन गांव में होता, लेकिन ये यहाँ पे कराची शहर में गांव में नहीं जला सके अभी तक, लकड़ियां गांव में नहीं जलाएंगे। मजबूरी ये है, गैस हमारा नहीं आ रहा, नहीं है, बल्कि हमारा तो मीटर ही बंद पड़ा हुआ है। मैंने कहा है एक बंदे को शायद दो दिन लग जाएंगे, हो जाए, अल्लाह करे मसला नहीं होएगा, लेकिन दो से तीन दिन। नसीब की बात है, गैस आता है कि नहीं आता वो भी पक्का पता नहीं है। कढ़ाई ये जो है देचकी जो है ना, इसीलिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि काली हो जाती है, धोने का भी मसला है। भाई मेरा आ रहा है बड़ा जी, तो एहतियाती तौर पर अपने लिए भी और सभी भाइयों के लिए समझ लें, एक खाना सा बन रहा है तो शोरबे वाला सालन बना रहे हैं। जी बच्चे होते हैं ना, तो चले सालन हम लोग रोटी पार से ले आएंगे, रोटी का कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है वरना धूप में तो यहाँ खड़ा। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से आया हूँ मैं पहले दिन बारिश, उसके बाद बादल, जुमरात को फिर बारिश दिखाई हुई है। अच्छा जी, मसाले मेरे पास यहाँ के थे गाँव में, जब हम लोग आ रहे थे तो साथ में मैंने बर्नियों में से मसाले थे वो साथ ले आई हूँ। हाँ, यहीं से लेके गए थे, मिक्स मसाला है वही वाला जी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और धनिया थोड़ा सा कूटा है, इसके नीचे गरम मसाला है। तो आलू नहीं काटे भाभी ने? ये लौकी आलू भी ला रही है भाभी और चिकन भी धो के ला रही है ये देवरानी मेरी छोटी, वो नीचे काट रही थी तो मैंने बोला जाके मैं लकड़ी जलाऊं, मेहमान हमारे आ गए। चलें जी, चिकन शामिल हो रहा है, भाई लोग भी आ गए नीचे, आलू भी लाया हूँ मैं नीचे से, चिकन भी लाया हूँ। आलू और डालते ना, भाभी को बोलते काटती ना, बहुत है मेरा ख्याल है सोनिया, कम नहीं है। लौकी पड़ी हुई है, लौकी भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन बोलूं और काटने का? मैं तो कह रही हूँ काटें थोड़ा सा, जो है ना सालन में बचे हुए होते हैं सालन वगैरह। चलो मैं, चले ऐसा करें आप ले आए, मैं ऊपर ही काट लूँ थोड़ा सा ये चिकन भून के, मैं टमाटर शामिल करूँ तो फिर मैं यहाँ ही काट लूँगी। नीचे आ गए तो पानी वगैरह दे भाभी को, बोलो भाई को और भाभी को पानी दो, मैं आ रही हूँ नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर शामिल करेंगे, चिकन को मैंने मसाले में अच्छी तरीके से घी में फ्राई किया है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये नहीं है कि सिर्फ चिकन को या मसाले को ही देखना पड़ता है, साथ साथ लकड़ी को भी देखना पड़ता है। अब मसाले भी शामिल कर देती हूँ, सही है? चिकन के बाजू ही जो है ना, हाँ तू इसको डाल दो, आप मैं जो है ना भूनता रहूंगा। ये नहीं, चिकन मसाले भी शामिल कर दिए, अभी आलू और जो है ना, ये देखेगी माशाल्लाह से, मैं बुनाई करूंगा साथ बैठ के जी, मैं आप आलू वगैरह काट लो जी। चलो सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आलू और लौकी शामिल कर लिए, कर रही है अभी क्योंकि मसाले को अच्छे तरीके से चिकन में मैंने बुनाई कर दी है, तो अब मैं जो है ना साथ साथ जो है ना लौकी। अच्छा जी, इतना ज्यादा मामला जो है ना, कम से कम तीन टब्बर हैं, तीन भी नहीं, हाँ तीन टब्बर हैं, छोटा भाई जो है ना वो सिंगल है, चार फैमिलियां, चार टब्बर हैं, सॉरी चार फैमिलियां हैं, पांचवें भाई की शादी अभी नहीं की, तभी मैंने थोड़ा सा आलू का मैंने बोला और डालें थोड़ा सा जो है ना सालन। वो लौकी भी दो के पानी में गिरा, ये पानी में दो, हाँ डाल दे। अच्छा जी, मजे बनाता है उसके सालन आग पे बना हुआ, लेकिन बनाना बड़ा मुश्किल है। हाँ सही बात है, मजा तो बहुत आता है वाकई में। कबूतर भी आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, बोल रहे हैं चलें जी। हमारा लंगर काफी हद तक तैयार हो गया है, तो मैं लंगर ही कहूंगा जी, वाकई में आज ये लंगर बन रहा है माशाल्लाह से। इस तरफ से दिखाऊं, ये देखें बुनाई अच्छे तरीके से हो गई है जी। अब करेंगे पानी शामिल, हम अपने हिसाब से पानी शामिल करेंगे जी, बिस्मिल्लाह, हमारी काफी फैमिली है माशाल्लाह से।
मुश्किल है, मुश्किल है। सोनिया के तो अभी से आंसू निकल आए, गांव में इसके आंसू नहीं निकले तो यहाँ पे लकड़ी पे अपना बताए लकड़ी चला के धुआं लगता है तो धुएं से फिर वो होता है आंसू निकलते हैं। अच्छे आंखें साफ होंगी। हाँ ये बात तो है, क्योंकि वहाँ पे आपने कभी मुझे रोने नहीं दिया ना, कभी बहन भाइयों की याद आई आपने बोला नहीं सोनिया पानी शामिल करना है, और मैं कह रही हूँ बस पोते ऊपर ढक्कन लगा देना। अच्छा पोते चलें जी, सोनिया ने बच्चा पार्टी भी साथ बिठा ली, बच्चा को भूख लग रही है जी, लंगर खाने के लिए तैयार है, बिस्मिल्लाह। सालन तैयार है जी हमारा माशाल्लाह से, अभी हम खमीरी रोटी मंगाएंगे साथ और देसी लंगर तैयार है माशाल्लाह। क्या करें, लंगर ही पकाना पड़ता है, वरना माशाल्लाह से ये चावल हो तो ये लंगर हो, माशाल्लाह से फैमिली ये देख लें सारे बोरे कब तैयार होगा, लंगर खाएंगे। वैसे सच्ची बात बताऊं, भुना हुआ वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, चलें लंगर से बड़ा। अब शाम को क्या पता बड़ा भाई बिरयानी बनवा ले जी, मुझे वो छोटे भाई को ही बोलेंगे जैसे कल बनाई थी ना। नहीं आज भाभी से बनवाएंगे, आज भाभी से, भाभी और भाई दोनों को बिठाएंगे। मेरे ख्याल में पुलाव बनवाएंगे उनसे। हाँ पुलाव बनवाएंगे, चाइनीज पुलाव, चाइनीज पुलाव उनको भाई भाभी को बोलेंगे, भाभी बनाएगी। तो चलें जो शाम को होगा वो देखा जाएगा, पहले तो रोटी मंगाएं, भूख लग रही है। चलो ठीक है, चले जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आ गई हमारी रोटियां भी, और ये देखें माशाल्लाह से सालन भी हमारा तैयार है जी माशाल्लाह से, लंगर शरीफ तैयार है माशाल्लाह, अभी सर्व कर रहे हैं जी। भाई ने जाके रोटियां भागता हुआ लेके आ गया और मैंने। अच्छा जी हमारे पास मजबूरी है इस टाइम, दूसरे बर्तन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम लोग इसी तरह जो है ना गुजारा चला रहे हैं। बच्चों को मैंने उस कमरे में बिठाया है ना, बच्चों को वहीं पे डाल के दे देती हूँ। चलें जी खाना भी सर्व करते हैं, अभी बैठ के खाते हैं, सारे बैठे हुए हैं अंदर। तो चलें जी आज का वीडियो भी साथ ही ख़त्म करते हैं, आज का वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और ये लंगर किसी दिन बना के इस तरह खाएं जी, गोश्त आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का सालन बनता है जी। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह पाक के फजल व करम के साथ, अल्लाह हाफिज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान हमारा लग चुका है और भाई और भाभियाँ बैठ चुके हैं, आज बड़े भाई भी आए हुए हैं तो उनकी फैमिली भी आई हुई है।